Hello, everybody. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Job you up. I hope my internet is working fine because I'm outside. So let's see. I'm going to give a few minutes for people to join in. Salam, namaste, sansrikal, sabko. Make sure aap jaise jaise aate ja rahe ho, jaldi jaldi se zara share kar do. Maine thodi der mein nikal jana hai. So make sure you guys are sharing. So I am here to talk about something really important today. बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पे बात की जाए दोबारा से आज, okay? Thank you everyone जिसने share किया है, thank you everyone for your support. जो जो मुझे मेरे पेज को like करता है, जो जो मुझे support करता है, thank you so much. बात करेंगे आज हम ये slogan की, मेरा जिस्म मेरी मर्जी. अब जिस बंदे ने ये बात जिस पे यानी जो ये हो पूरी जो situation बनी है जिस क्या नाम था उनका खलीलुर्रहमान की जो शो पे जो बात हुई थी जहां पर वो बंदा भड़का गया था राइट ही जस्ट वेंट क्रेजी सो उसके बाद मैंने उनका एक और शो देखा आई सॉ हिज अदर इंटरव्यू यस्टरडे जहां पर वो कहते हैं नहीं इस लड़की ने इस औरत ने मुझे शट अप बोला दैट्स व्हाई आई स्वेयर्ड एट हर मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था शट अप उसने बहुत बाद में जाके बोला उसने पहले क्या बोला था ये मेरी बात सुनो वो बात कर रहे थे कि मुझे इनके स्लोगन से प्रॉब्लम है जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो उसने वहां से बोला मेरा जिस्म मेरी मर्जी जिस बंदे या बंदी को क्योंकि मैंने काफी लड़कियों को भी देखा है जो खलीलुर्रहमान की साइड ले रही है मैं मारवी को ना जानती हूँ ना मैंने उसका नाम आज तक सुना था मुझे तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में यू नो वुमेन्स राइट्स के लिए रैलीज निकल रही हैं यू नो व्हेन आई फाउंड दिस आउट आई वॉज वेरी हैप्पी कि खुदा का शुक्र है कुछ हो रहा है Let's talk about this slogan. मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मतलब क्या है? What is the meaning of this? मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ज्यादातर मर्द ये लगा रहे हैं कि भाई हम लड़कियों को बिकीनी पहन के घूमना है और हमको जाकर 100 मर्दों के साथ सोना है बस इन लोगों की समझ में सिर्फ ये आता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की सिर्फ एक ही कहानी है नहीं दैट इज नॉट वॉट दिस मीन्स मेरा जिस्म माई बॉडी My will, मेरी मर्जी का मतलब ये है कि मैं जहां जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी मर्जी के अलावा मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा ठीक है ना मेरी मर्जी के अलावा यानी अगर हमारी बॉडी है तो इस पर जरूरी नहीं है कि आप आके जो है यहाँ पे हाथ मार लो वहां मार लो यहां मार लो नहीं दिस इज माई बॉडी कंसेंट कंसेंट क्या होता है इजाजत इजाजत जब तक आपको दूसरे चाहे मर्द हो या औरत हो जब तक दूसरी साइड से आपको इजाजत नहीं मिलती है कि हाँ आप मुझे हाथ लगा लो आपको हाथ लगाने का हक नहीं है ये मेरा जिस्म है मैं इसको जो करूं इसके साथ वो मेरी मर्जी है दूसरी बात बच्चे पैदा करती हैं औरतें इतने बच्चों की लाइनें लगा देते हैं पाकिस्तान में गरीब झोपड़ वहां जाओ ना झोपड़ी में अभी कहां पर कराची में कहीं पर आग लगी थी वकार जका वहां पर इंटरव्यू करने पहुंचा था एक फैमिली का उस फैमिली के छह बच्चे खाने के लिए नहीं है झोपड़ पट्टी में आप रह रहे हो मगर छह बच्चे पैदा कर लिए क्यों खाने पीने के लिए आपके पास है नहीं उन्हीं बच्चों को पैदा करते हो और फिर सड़क पे भेज देते हो कि जाके भीख मांगो हाँ और फिर जब खाने पीने के लिए हो तो अपनी ही बच्चियों को जाके बेच देते हो छोटी छोटी बच्चियों को बेच देते हो कि ताकि वो कमा कर आए नहीं तो अपनी अपनी वाइफ को बाहर भेज देते हो कि जाओ तुम लोग ठुकवाओ तुम लोग जाकर जो है सेक्स में काम करो और आके कमा के हमें खिलाओ औरतों को हक होना चाहिए मैं ऐसी ऐसी औरतों को जानती हूं जो 12-12 बच्चे पैदा करते हुए ना बच्चे पैदा करते हुए मर गई हैं क्यों क्योंकि उनके मर्द उनको ठोक 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 के प्रेग्नेंट करते रहते हैं ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा उस औरत के साथ औरत कितने बच्चे पैदा करेगी हमारा जिस्म है हमें पता है एक बच्चा पैदा करने के बाद मुझे पता है कि मेरी बॉडी में कितनी चेंजेस आई हैं 6-12 बच्चे पैदा करके औरत की तो वाकई फट जाती है और मर जाती हैं औरतें तो हमारी चॉइस है हमें बच्चा पैदा करना होगा तो हम करेंगे नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे मेरी मर्जी है जरूरी नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को बताओ कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं और हमें किसके साथ सोना है बहुत सारी शादियों में यह होता है कि औरतों को शादी हो जाती है मर्दों से पहली दफा मिल रही होती है अरेंज मैरिज हो गई अब वो होता है कि नहीं भाई यू हैव टू स्लीप विद देम इनके साथ सोना ही सोना है चाहे आपका दिल हो या ना हो आपको उस मर्द के साथ सोना ही सोना है एक औरत के लिए ना सबसे मुश्किल काम ये होता है उस मर्द के साथ सोना जिसके साथ उसको प्यार ना हो और वो ना सोना चाहे काट के अपने आप को ना आपको करना पड़ता है ये काम तुम लोगों को क्या पता होगा तुम लोग तो हर किसी जगह जाकर जहां होल देखा वहां जाके अपना लंड घुसा देते हो
क्या पता, और इन जैसे मर्दों को क्या पता, खलील को क्या पता, एक दिन औरत बन के जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं भैनचोद, बाहर निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते। मेरे साथ खुद हुआ है ये, मेरी फ्रेंड जो ड्राइव करती थी, मैं उससे ही पूछती थी, हाय तुम तो बड़ी ब्रेव हो, अकेले निकल के ड्राइव करती हो। पाकिस्तान में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं बगैर किसी के साथ निकली हूँ। क्यों? क्यों डर लगता था कि कोई हाथ ना लगा दे। 10 साल की थी मैं जब पाकिस्तान में थी, प्लेग्राउंड में खेल रही थी, नीचे आ रही हूँ सीढ़ियों से, वहां पर एक टीनेजर था, आके मेरे बूब्स पे हाथ लगा के चला गया। 11 साल की थी, अपनी फ्रेंड के घर गई, नॉक किया, उसका छोटा भाई बाहर आया, छोटे भाई के पीछे पीछे उनके अंकल आए, अंकल ने छोटे भाई को अंदर भेज दिया और करके मुझे इतनी बड़ी फ्रेंच किस दे दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि फ्रेंच किस होती क्या है, जाके अपनी मम्मी को भी नहीं बताया, ना मैंने अपने बाप को बताया उसका, क्योंकि बाप को बताया होता तो उसको वो गाड़ देता वहीं पे। क्यों मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया किसी ने कि इस तरह से होता है, अपने आप को बचा के रखो। बताना चाहिए हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, बताना चाहिए जो छोटी छोटी लड़कियां हैं। 6-7 साल की वो जैनब थी, मेरी बच्ची 6 साल की है, मेरी बच्ची 6 साल की, उस बच्ची पे क्या गुजरा होगा, उसका रेप करके उसको मार दिया तुम जैसे कमीनों ने, तुम जैसे कमीनों ने खलील, तुम जैसे कमीन, तुम जैसे लोग हैं रिस्पॉन्सिबल जैनब की मौत के। मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ 6 साल की, मेरी रूह कांप जाती है, और तुम लोग यहाँ पे बैठ के बकवास करते हो। और तो सबको पाकिस्तान में बच्चा 2 साल का हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको संभालना, उसको समझाना चाहिए कि कोई तुमको कहीं भी हाथ नहीं लगा सकता है। यू कैन नॉट टच मी। एक कंसेंट बताओ, क्यों होती है इतने रेप? हाँ, संडे बाजार चले जाओ भैनचोद, फ्राइडे बाजार चले जाओ, माए कहती है अपनी शलवारें बचा के रखो, वरना आगे पीछे कहीं ना कहीं से हाथ आएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड कॉम हो और फिर ले आते हो रिलीजन बीच में ले आते हो। इतने रिलीजियस हो ना तो तुम लोग बैठ के यहाँ पर गंदी गंदी हरकतें और मुझको डिक पिक्स नहीं भेज रहे होते। हाँ, बैठ के बोल रहे हैं अरे तेरी ये, और मेरे इनबॉक्स में सारी डिक पिक्चर भेज रही होती हैं। शर्म करो, हाँ तुम लोग शर्म करो, शर्म के मारे डूब जाओ तुम लोग, शर्म करो। मुझे नहीं करनी शर्म, मैं नहीं करूंगी, मैं वही करूंगी जो मैं करती आई हूँ। तुम लोगों को शर्म आती है तो मत देखो, हिपोक्रेट्स मत बनो। इतने ही तुम लोग इस्लाम मुसलमान हो तो ये इंटरनेट कटाओ और बंद करके ना मुसल्ले पे बैठ के ना नमाजें पढ़ो। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में अगर सेक्स बोल दिया जाए ना, हाय क्या गंदा बेहूदा अल्फाज, सेक्स बोल दिया, सेक्स क्यों करते हुए तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बहनचोद, जिस तरह से तुम इस दुनिया में आते हो ना, वो सेक्स की वजह से ही आते हो। तुम्हारे माँ बाप ने गलीज हरकत की थी तो तुम जैसे कमीने पैदा हुए, कॉन्डम पहन लेते तो तुम जैसे कमीने पैदा नहीं होते। समझ में आई ना? तुम लोगों के माँ बाप जो है ना, वो है कसूरवार, क्योंकि उन लोगों ने तुम जैसे कमीनों को पैदा किया, खलीलुर्रहमान जैसे कमीनों। तेरे माँ बाप ने कॉन्डम पहनना था ना तो तुझ जैसा कमीना पैदा नहीं होता। तेरी गांड इस वजह से यहाँ आसमान पे चढ़ी हुई है क्योंकि तू थोड़ा फेमस हो गया है, दैट्स इट। थोड़ी सी फेम क्या मिल गई है, दैट्स ही है। पाकिस्तान ने आज इस तरह, तुम जैसे हो पाकिस्तान में इस तरह का, हाँ नहीं नहीं हाँ पूरी कौम, क्योंकि पाकिस्तान का हशर नशर इसी तरह से तो होगा। अब पूरी कौम ऐसी है तो छोटे छोटे बच्चों का रेप तो होगा ही ना। हम बच्चों को क्यों बताएं, हाँ हम बच्चों को क्यों सिखाएं कि भाई कोई आके तुमको गलती से हाथ लगाए इस तरीके से तो उसको मना करो। जैनब के रेप की वो वीडियोज उठाकर इंटरनेट पे डार्क वेब पे डाली थी। लानत तुम लोगों की शक्ल पे, सीरियसली। सो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो मैं कुछ भी करूं और मैं करती हूं। खुदा का शुक्र है कि मैं कनाडा में रह रही हूं, खुदा का वाकई में बहुत शुक्र है, मेरी माँ का जो मुझे वहां से लेकर यहां आ गई थी, ठीक है ना। I can't believe this। दुनिया भर ये बंदा कहता है कि हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, वेस्ट को कॉपी कर रही हैं ये औरतें, ये वेस्ट को कॉपी कर रही हैं। तुम्हें पता है वेस्टर्न में यहाँ पर फेमिनिस्ट की जो मार्चेस होती हैं वहाँ होता क्या है? मैं तो यहाँ की नहीं जाती, यहाँ की तो फेमिनिस्ट और भी पागल है, वो तो वाकई में बिल्कुल पागल है। मगर एक इंसान होने के नाते, ठीक है ना, तू भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान है, मैं भी सांस लेती हूँ, मेरा भी खून निकलता है उसी तरीके से, मेरे भी फीलिंग्स हैं, मैं भी हर्ट होती हूँ। समझ में आई? तो हमारे
मेरे को बॉर्न राइट है, ये मेरा पैदाइशी हक है। तुम लोग कौन होते हो, किसने दी तुम लोगों को इजाजत कि मेरे पैदाइशी हक पे आके तुम लोग हाथ डालो? किसने दिया तुमको ये हक? मुझे ये खुदा का हक मिला हुआ है, तुम लोग कौन होते हो? उसी खुदा ने से तुमको बनाया है, मुझे भी बनाया है। वी आर ऑल इक्वल, ना तुम मुझसे ज्यादा ना तुम मुझसे कम। गालियां मैं देना नहीं चाह रही हूं, मगर ये अवाम ऐसी है नहीं, इनको गालियां ही सुननी पड़ती हैं। जब वो बहन चोद बैठ के गाली दे रहा है उस औरत को जिसने सिर्फ शटअप बोली थी, मुझे कोई शटअप बोलेगा तो मैं तो वैसे ही करूंगा। शटअप कोई गाली नहीं होती जाहिल इंसान, पता नहीं किस तरह से तू इतना बड़ा बन गया मीडिया में। मीडिया में रहते हुए बकवास कर रहा है भाई, इतने बड़े मुल्ला हो तो तुम मीडिया में कर क्या रहे हो? हाँ, तुम्हारा हिसाब तो तुमको ये बनाने से ही मना करता है, ड्रामे बनाने से, तस्वीरें बनाने से। तो अपनी हिपोक्रेसी कम करो, जाके मुसल्ले पे बैठो इससे पहले कि दूसरी औरतों को बोलो। समझ में आई ना? आई स्टैंड विद ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन्स राइट, क्योंकि एक ये इंसानी हक है। डजंट मैटर, मैं ऐसे मुल्क में हूं जहां पे जानवरों के भी हकूक है, यहां पे कुत्तों के हकूक है, बिल्लियों के हकूक है, तुम लोग वहां पे औरतों को हकूक नहीं दे सकते? यार आई एम डन, क्योंकि उस मुल्क का वाकई में कुछ नहीं होना है। दुनिया आगे निकल जाएगी, पाकिस्तान पीछे चला जाएगा ऐसे लोगों की वजह से। और हम ये सोचते ना कि हाय ये थिंकिंग अब पुरानी हो गई, नहीं, ये थिंकिंग पुरानी नहीं है। ये जो पुराने लोग हैं ना, हमारी नई जनरेशन के मर्दों को खराब करके और आगे निकल जाएंगे, मगर ये थिंकिंग वही रहेगी। अल्लाह कहता है कि मर्द को औरत पे फौकियत है। क्यों क्यों? औरत तुम्हारा खिलौना है, हम खिलौने हैं तुम्हारे? बेंचो क्यों? किसने कहा? अपनी तरफ से बना के ले आते हो। अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने वो कहा, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा ऐसा वैसा। समझ में आई ना बकवास? एक बंदा लिखता है कि हम उन लड़कियों को पसंद करते हैं जो घर में रहे, हिजाब पहने और ये करें। प्रॉफिट मोहम्मद की पहली जो बीवी थी ना, वो खदीजा, वो क्या थी? वो यूज्ड टू बी ट्रेडर, वो काम करती थी, बाहर निकल के काम करती होगी ना, घर में बैठ के तो काम नहीं करती थी। तो जब तुम लोगों की खुद की किताब में ये लिखा हुआ है कि औरत को राइट्स मिलने चाहिए, तो तुम लोग भैंचोद कौन होते हो? तू पैदा ही नहीं होती। अच्छा नहीं, मैं पैदा नहीं होती, तुम जैसे गांडुओं को कौन ठीक करता, कौन सुनाता? किसी के अंदर हिम्मत नहीं तो तुम जैसे गांडुओं को ये सुनाए। समझ में आई ना मेरी बकवास? नहीं, मेरे से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जो कमीने कुत्ते इंसान है ना, वो कुत्ते इंसान ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, वो कुत्ते ही रहेंगे। अरे मैं कुत्तों से क्यों कंपेयर कर रही हूँ, कुत्ते तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। तुम लोग उससे भी कहीं गुजरे हो, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे मुझे गालियां दे रहे हैं ना, वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जैनब की डेथ के। जैनब और छोटी छोटी लड़कियों पे जिस पे भी ज्यादती होती है ना, जितनी लड़कियों का रेप होता है, तुम सारे लोग बेगैरत, तुम लोग हो उसके रिस्पॉन्सिबल। बेचो बाहर निकलो पाकिस्तान में तो ऐसे घूरते हो ऊपर से नीचे, चाहे बुर्का पहन के क्यों ना घूम लो। मैंने खुद ये ट्राई किया था, पूरा अबाया पहन के यूं गई थी तो आंखों को भी नहीं छोड़ा था, ऐसा लग रहा था आंखें भी खींच के ना उसका रेप कर देंगे, आंखों के अंदर ठोक देंगे, इतनी गलाजत है। कपड़ों से कुछ नहीं होता, तुम लोगों की जब तक मेंटालिटी नहीं यहां नहीं साफ होगा ना, कपड़ों से कुछ नहीं होता। मैं जो बोलूं मेरी मर्जी, मेरा मुंह, जब तुम लोगों का मुंह नहीं बंद होता, वैसे मेरा मुंह क्यों होगा बंद? अल्लाह हिदायत दे आपको, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, खुदा के लिए आप लोगों को हिदायत दे कि भाई इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। समझ में आई ना? औरत जो है ना, तुम लोगों का खिलौना नहीं है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं कि ये चीज दोबारा से स्टार्ट हुई है, और बहुत खुश हूं कि लड़कियां खड़ी हुई हैं, और लड़कियों को खड़ा होना चाहिए। और जो लड़कियां यहाँ पे बकवास कर रही होंगी ना खलीलुर्रहमान की, तुम जैसी औरतें हैं जो औरत की दुश्मन है। अल्लाह मुझे हिदायत दे, हाँ मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे सबर दे, हिदायत नहीं, अल्लाह मुझे सबर दे कि मैं ऐसे चूतियों के साथ डील कर सकूं। खुदा मुझे वाकई में सबर दो। ये क्या मखलूक बनाई है, खुदा भी सोचता होगा यार मैंने क्या कर दिया है, कहाँ कौन से चूतिये बना के भेज दिए नीचे। कपड़े उतारो ना, कपड़ों से तो कुछ नहीं होता। हाँ देखो ना, आ गए ना अपने इस पे, आ गए ना अपनी औकात पे, यहाँ पर आके बकवास करते हैं। देख ये हिपोक्रेसी की लेवल चेक करो, यहाँ आके लिखेंगे अरे तुमने तो आधी नंगी कपड़े में तस्वीरें लगाई हुई है, आधी नंगी कपड़ों में तस्वीरें लगाई। भाई मैं तेरे घर में आके अपना फेसबुक तेरे के सामने चला रही हूँ, तू बेंचो ठरकी खुद बैठ के देख रहा है। फिर ओनली फैन पे जाते हैं, वहां जाए कहते हाय ये तो वही तस्वीर है, ये तो पूरी नंगी नहीं है। अरे बेंचो अभी तो थोड़े दो मिनट पहले तुझे वो नंगी दिख रही थी, अब तुझे नंगी नहीं दिख रही। अच्छा अब चाह रहे हो कि फुल नंगी दिखाएं? क्यों? मेरी मर्जी, मैं जितना दिखाना चाहूंगी ना मैं दिखाऊंगी,
और उसके बाद मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। तुम लोगों को पता है मुझे पाकिस्तानियों के कितने मैसेजेस आते हैं, हाय न्यूट भेज दो अभी। आई एम नॉट गोइंग टू बी पोलाइट, व्हाई डू आई हैव टू बी पोलाइट टू पीपल दैट आर अब्यूसिव टू मी, व्हाई? ये देखो, ये देखो, ये बंदा देखिए, देखें अहमद जमाल जी जो मेरे को फोर्स किए जा रहे हैं, व्हाई? क्यों फोर्स करते हो? ना सुनने की आदत रखो, जब औरत ना बोल दे ना तो चुप करके निकल जाओ। यू डोंट नीड टू फोर्स मी, ओके? ना सुनना मतलब नो, नो मींस नो, नो का मतलब ये नहीं होता यस, क्या पीछे ही पड़े जाओ, पीछे ही चढ़ जाओ। कुछ शर्म करो, मरना नहीं है, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? तुम लोगों को नहीं मरना। या ऐसा होता है कि मरने के बाद आदमियों का हिसाब क्लियर है, सिर्फ औरतें ही जहन्नुम में जाएंगी, है ना? ये भी बात है ना कि सिर्फ औरतें ही जहन्नुम में जाएंगी और मर्दों को तो फुल छुट्टी है, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में औरत रात के 2 बजे अगर निकलना हो अकेले निकल सकती है? नो, मगर मर्द बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेफ नहीं है। किस लिए सेफ नहीं है? क्योंकि दूसरे मर्द कहीं उसको उठा कर ना ले जाए, या दूसरे मर्द उसको कुछ नहीं कहे। हमारे घर के मर्द यही बोलते हैं, तुम लोग सब यही बोलोगे अपनी घर की औरतों को कि रात के वक्त बाहर नहीं निकलना, क्योंकि तुमको पता है कि तुम जैसे चीपड़े घटिया चुत्तू लोग वहां बैठे होंगे जो उनको उसी आंखों से देखेंगे जैसे तुम लोग देखते हो दूसरों को। दैट्स ऑल। औरत में फर्क है, दफा हो जाओ। औरत में फर्क है, क्यों? मेरी जैसी औरत क्योंकि तुम लोगों को सही से सुना देती है, हाँ? वो औरत जो नहीं सर पे दुपट्टा लेकर ना जी हजूरी करे, जी हजूर आपने कहा चलो बैठ पे, अभी मैं खटांगे खोल के बैठ जाती हूँ, जी हजूर मैं आपके लिए भी चाय बना के लूँ, जी हजूर आप मुझे ठोक लो, क्या ये औरत चाहिए तुमको? नहीं, मैं वो औरत हूँ जो तुम लोगों की गांड फाड़ दूंगी, इस वजह से तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। दैट्स ऑल। मैं तुम लोगों की क्यों सुनूं? इंडियन एजेंट है। अरे ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो इंडियन, क्यों तुम लोगों के पास कोई और एक्सक्यूज नहीं है? जब कोई बंदा या बंदी बात करना शुरू होती है उसको इंडियन एजेंट बना देते फौरन। यार कुछ तो कॉमन सेंस यूज करो, तेरे खुदा की लानत। हाँ हाँ पड़ गई, तुमने लिख दिया और पड़ गई। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि तुम लोगों की सबकी गांठ ठुके तो ठुक जाएगी ना, ऑफकोर्स। तुम लोग तो मजे ले लेके ठुकवाते हो एक दूसरे से। पाकिस्तान में औरत को पूरे हकूक है। अच्छा, जरूर बहुत हकूक है। हाँ, जब ही तो छोटी छोटी बच्चियों की रेप हो जाते हैं, जब ही तो औरतें वहां बैठी रहती हैं, डिवोर्स नहीं ले सकती हैं, और उनके मर्द उनको काट मार के फेंक देते हैं क्योंकि वो डिवोर्स नहीं ले सकती हैं। बहुत हकूक है पाकिस्तान में। कौन से कहां से बात कर रहे हो तुम लोग? अपनी गांठ से बात करना बंद करो, बाहर निकलो। मैं कह रही हूँ ना, एक दिन के लिए 2 संतरे लगाओ, विग लगाओ और बाहर निकलो, और फिर देखो तुम लोगों को क्या होगा। बस बाहर निकल के एक्सपेरिमेंट खुद करो ना, तो तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोग कहां रह रहे हो। औरत यू आर खुसरा बिलाल, बिकॉज यू वर बॉर्न बाय अ खुसरा। आई थिंक तू सारे खुसरों के साथ ही रहता है, तुझको सभी खुसरे लगेंगे। मैं क्या करूं इसे, मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है ना, और मैं खुसरी भी हूं तो तू बैठ के खुसरे को भी देख रहा है, इतना डेस्परेट है। हाय वाओ, इतनी डेस्परेशन वाकई में। वहां तो औरतों को तो छोड़ो, तुम लोग तो खुसरों को भी नहीं छोड़ते, खुसरे क्या बाहर अपनी गली में निकलोगे ना तो गली के कुत्ते गाय बिल्ली वो लोग भी अपनी गांड जो है ना छुपा लेते हैं। देखो भाई छुपा लो, वरना यहाँ के हमें ही ना ठोक दे। सीरियसली ऐसी बात है। एनीवेज मुझे जो बोलना था मैंने वो बोल दिया। खलीलुर्रहमान, आई होप समबडी फक्स यू अप द एस ना, देन यू विल अंडरस्टैंड के व्हाट मेरा जिस्म मेरी मर्जी मींस। क्योंकि जब तक आपके साथ तशद्दुद नहीं होगा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इट रियली मींस। ओके, यू आर नॉट, आई एम बेगैरत, हाँ क्यों नहीं, सुनाती हूँ, सच बेगैरत हूँ, हाँ सुना देती हूँ तुम लोगों को, दिल खोल के मैंने बकवास कर दी यहाँ पर, सब तुम लोगों को सुना दी, तो क्या अब मैं खराब हो गई? सो आई डोंट केयर, यू गाइज ऑल डिजर्व इट। नहीं भाई, मेरे लिए तो कोई मर्द कोई मुशक्कत नहीं करता, ना मेरे को खाना खिलाता है, मैं खुद काम करती हूँ, खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ, समझ में आई ना? मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है कि वो मेरे लिए पैसा कमाए, और आजकल औरतों को जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोगों को तुम लोगों के जैसे मर्दों की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना? ना तुम लोगों की सेक्सुअली जरूरत है, ना तुम लोगों की फाइनेंशियल जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वी हैव एवरीथिंग। बच्चा पैदा करना होगा ना, वी कैन गो टू अ स्पर्म डोनर एंड गेट दैट, बिकॉज़ वी डोंट नीड फालतू यूजलेस मैन, ठीक है ना? यूजलेस जिसे कहते हैं ना, ना बेंचोद कुछ काम ना कुछ, सिर्फ बैठ के बातें सुनते रहो, क्या जरूरत है ऐसे मर्द की? मर्द वो होते हैं जो वाकई में औरत को खुश रखें, जो औरत की खुशी में खुश रहे, वो मर्द होते हैं। वैसे मर्द बन के दिखाओ ना तुम लोग। और मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे मर्द नहीं होते, मेरी फैमिली में है, मेरी फैमिली पाकिस्तान से, मेरी फैमिली के मर्दों को देखो, अपनी औरतों को ऐसे रखते हैं जैसे कि क्वींस हो, क्वींस। उनको काम करना है बाहर, नो प्रॉब्लम, आप काम करो भाई,
आपको पहनना है या नहीं आपकी मर्जी है. रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज चलता है. यू नो यू रिस्पेक्ट वन पर्सन एंड देन यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन. एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है. ये नहीं कि एक बंदा कह रहा है बस मेरा ही वे है वैसे ही होगा एंड दैट्स इट. जैसी औरत को हकूक मिलेगा मर्द को गाली देकर वहां आप गलत रस्ते पे कुछ सोचो. क्यों? अच्छा नहीं नहीं हमको सिर्फ हकूक मिलेंगे तभी हम गलत रस्ते पे चलेंगे. यानी कि आप ये कह रहे हो कि अभी पाकिस्तान में कोई औरत चीट नहीं कर रही है, कोई औरत आउटसाइड मैरिज सेक्स नहीं कर रही है, कोई औरत कुछ और कर ही नहीं रही है. अच्छा इजाजत दोगे तभी होंगी ये चीजें. बड़े ही बेवकूफ लोग हो भाई तुम लोग, तो वाकई में बड़े बेवकूफ हो. तो तुम लोग ये डरते हो कि अगर औरतों को फ्रीडम मिल गई तो तुम लोगों का साफ. तो ये बोलो ना कि तुम लोग डरते हो औरतों से कि अगर औरतों को वाकई में हकूक मिल गए तो तुम लोगों की तो बैंड बज जाएगी. औरतों को हम हकूक इस वजह से नहीं देते, वो गाली देंगी इस तरह. ये बोल रहा है गाली तो तेरे को अभी भी मिलेगी. रेस्टोरेंट्स में जाए ना तो वहां पे क्या लिखा होता है? रेस्टोरेंट्स में जाते हो ना पाकिस्तानी, वहां क्या लिखा होता है? हाँ ओनली फैमिलीज. वहां छड़े छांट मर्दों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है ये बताओ. लड़कियां चली जाएंगी तीन चार, उनको अंदर जाने देंगे, मगर तीन चार लड़के होंगे ना उनको अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि तुम लोगों ने हरामीपन करना है वहां पर. दैट्स इट. हरामीपन करने के लिए आप लोग वहां जा रहे हो इस वजह से. पाकिस्तानी उनको पता है ना अपनी, लाइक दे नो दैट्स व्हाई दे डिड दिस. थैंक गॉड मैं हर रोज ये अपनी माँ का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इतना फ्रीडम दिया और उसको इतना मुझ पर भरोसा था. मेरी माँ को पता था यू नो एंड आई रिस्पेक्ट हर फॉर दिस कि उन्होंने मुझे ये फ्रीडम दिया कि मैं अपनी चॉइसेस खुद बना सकूँ. और मैंने जो चॉइस की अपनी लाइफ में उसके ऊपर आई स्टैंड बाय इट. खुद देख कर जहन्नुम में मिलेगा फ्रीडम भाई. हम लोग को सारे जहन्नुम में, देखो तुम बकौल तुम लोगों के औरतों ने सबने जहन्नुम में जाना है. हमको दे दो ना फ्रीडम, हम जो करें वैसे भी जहन्नुम में जा रहे हैं. तो हम और हरकतें बकौल आपके खराब हरकतें करके जहन्नुम में चले आते हैं. भाई जहन्नुम में ही जाना है ना तो हमको जी लेने दो बकौल आप लोगों के. जैसों की प्यास बुझाती है. जरदारी की प्यास बुझाने से पहले मैं अपने आप को ज़िबा करके मार ना दूं. कमीने इतने गलीज इंसान, उसके नीचे लेटने के बाद तो मुझे इतने नाइटमेयर्स आएंगे. तुझको पता भी है, तुम लोग मेरे कपड़ों पे आके यहाँ जज कर लेते हो, जज कर लेते हो. क्या पता मैं लेस्बियन हूँ? तुम लोग तो आके सारी बकवास करो, तुम लोगों के तो सारे कमेंट्स पे पानी फिर गया. मैं तो लेस्बियन हूँ. अब बोलो why they are giving you a hard time because you are a beautiful lady, I love you so much. Then because we are having a discussion here, we are having a discussion about women's rights and most of them are from Pakistan. And there was this huge issue, the statement saying, a woman said that there's a slogan saying, my body, my will, that I should be able to do whatever I want with my body. And these people have a problem with that. So that's why they're calling me names and they're swearing at me. Because they don't think, they think it should be my body, your choice. Huh? Meri body aur aapki marzi honi chahiye. Hai na? Taaki aake meri bhotiyan nocho tum log. Hai na? Tum log ye chahte ho. Nahi, tum jaise saare mardon ki honi chahiye, tumhara jism aur kisi aur ki marzi. ताकि वो आके तुम लोगों की गांड जब मारे ना तो तेरे को पता चलेगा कि क्या है इस चीज के पीछे. ऐसी औरत जो तुम लोगों के सामने खड़े होकर तुम लोगों को जवाब दे दे, हाँ उससे तुम लोगों की मर्दानगी कम हो जाती है? इतना डरते हो? हाँ हाँ मलिक अमान, आई विल सी द मोस्ट हॉरेबल थिंग. आप जन्नती हो, आप तो जन्नत में जाओगे ना. जो बैठ के यहाँ पे मेरे आधे आधे बूब्स देख रहे होते हो, आप लोग तो जन्नत में जाओगे ना. आप लोगों के लिए तो खुदा ने गारंटी दी है कि आप लोगों ने तो जन्नत में ठप्पा है आपका. आप आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को जज कौन बनाता है? हु मेड यू द जज? खुदा ने तुम लोगों को कोई भेजा है या कोई ईमेल भेजी है? क्या भेजा है मुझे दिखाओ ना कि उन्होंने गारंटी दी है कि भैया आप जो है जन्नत में ही जाएंगे. यानी इतनी गालियां लिखने के बाद किसी औरत पे तुम लोग जन्नत में जाओगे? यानी सोच सुनो, अपनी सोच सुनो. तुम लोगों की सोच वैसी हो गई है जैसे अफगानिस्तान में टेररिस्ट नहीं थे, जैसे कि मलाइला को जिसने मारा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चियां स्कूल जाएं. क्यों? क्योंकि उनको पता था बच्चियां स्कूल जाएंगी, दिमाग खुलेगा, पढ़ेंगी लिखेंगी, इनको अपने हकूक के बारे में पता चलेगा. दे विल स्टैंड अप टू अस. इस वजह से तो तुम लोग एक काम करो ना, पाकिस्तान को दूसरा अफगानिस्तान बना लो. बना तो दिया है, आधे टेररिस्ट तुम्हारे ही रहे हैं, ठीक है ना. और तुम लोग सारे, मैं अगेन ये बोलूंगी, जितने लोग खलीलुर्रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम लोग सारे मेरी नज़र में जितनी लड़कियों का, छोटी छोटी लड़कियों का रेप होता है ना, जितनी औरतों का रेप होता है, उन सबके रिस्पॉन्सिबल तुम लोग हो. तुम लोगों की थिंकिंग है. और जब तक तुम लोग अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना,
ये कभी मसला खत्म नहीं होगा पाकिस्तान से. ईसा खान इसराइल मेरे को पे करता है, इंडिया मेरे को पे करता है, हाँ, और मैं इस किराए के मकान में रहती हूँ. आई मीन लाइक, हाँ, मेरे पास बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है. मुझे हर एजेंटी ना, एजेंसी मुझे बड़ी पैसे भेजती है मुझको. स्टैंड विद मार्वी, आई स्टैंड विद इक्वालिटी, आई स्टैंड विद ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना. यू डोंट सी अ वुमन एज अ ह्यूमन, ठीक है ना. खलील जी डोंट सी अ वुमन एज अ ह्यूमन. वो कहते हैं नहीं, वो सिर्फ सर्टन औरतों को औरतें समझते हैं. हम जैसी लड़कियों को तो आप लोग औरतें समझते नहीं, क्योंकि हम तो जूता उठा के मारते हैं भाई. हमें क्यों बोलोगे तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या, है खिलौना है नहीं, क्या है, मजाक समझा है, वहीं पे जूता उठा के मारो. इतनी लड़कियां हैं. मुझे एक इंसिडेंट याद है अभी तक. मैं और मेरी मम्मी, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, बीच में मीडियन पे खड़े हुए थे हम लोग वहां पर. तो एकदम से मैंने देखा मेरी मम्मी जो है वो किसी के पीछे भाग रही. अब मैं छोटी थी, मुझे नहीं समझ, मैं रोना शुरू हो गई. जब अम्मी वापस आई तो पता चला वो बंदा उनको पीछे से हाथ लगा के गया था. ये हाथ लगाने वाली आदतें जो है ना, ये पाकिस्तान में होती हैं, बहुत होती हैं. तो मेरी माँ ने क्या करा, उसके हाथ में भुट्टे थे, उसने उठा के एक एक भुट्टा उसको उठा के मारा. ऐसे ही होना चाहिए इन लोगों को. जहाँ ये कमीने लोग हाथ लगाए ना पब्लिक में, वहीं उठा के जूता ना, वहीं इनकी गांड पे मारो, ताकि इन लोगों को समझ में आएगा. शिकायत इससे नहीं है, मुझे शिकायत इस चीज से है. देखो, मैं तो आई एम वेरी लकी कि मैं ऐसे मुल्क में रहती हूँ जहाँ पे वाकई में औरतों को बहुत फ्रीडम है. यहाँ कुछ ज्यादा ही है, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही फेमिनिज्म हो गया है. यानी कि यहाँ के अगर फेमिनिस्ट को आप देखोगे ना, तो वो तो पीरियड ब्लड लगा के आई हुई होती है प्रोटेस्ट में. आप लोग जो वेस्टर्न कंट्री से बोल रहे हो ना कि वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी करें, अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज की फेमिनिस्ट को कॉपी कर रही होती ना, तो वहाँ पे पुसी हैट्स और ब्लड लगा के घूम रही होती. समझ में आई ना, यहाँ तो इतना पागलपना हुआ है. मगर मुझे इस चीज से दुख होता है जब मैं ऐसे केसेस सुनती हूँ. आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी को पाकिस्तान लेकर आऊंगी? मेरी फैमिली है पाकिस्तान में जो कहती है इसको लेकर आओ, मगर मैं कहती हूँ नहीं, आई कैन नॉट. मैं अपनी लाइफ डेंजर में डाल दूं, मगर मैं अपनी बच्ची की लाइफ क्यों डेंजर में डालूं? बिकॉज आई डोंट थिंक दैट कंट्री इज सेफ फॉर माई चाइल्ड. दैट्स इट, पता नहीं. एनीवेज, चंद लोगों को ऑल्सो प्रॉब्लम थी कि उन लोगों ने बड़े वाहियात पोस्टर्स बनाए हुए थे. वाहियात वाहियात वाहियात, मैं एक ऐसा, अब बोल देना अरे कितनी वाहियात है, कितनी बेहुदा है. मेरे ख्याल से हमारी जो पाकिस्तान की नस्ल है ना, उनको इस चीज़ से बड़ा फायदा होगा. मेरे ख्याल से एक शो, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, एक सेक्स एजुकेशन वाला शो बनना चाहिए, ओके, जिसको लड़कियां लड़के सब देखें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में. फ्रस्ट्रेटेड आवाम बहुत बैठी हुई है वहाँ पर, जिनको ज़रूरत है कि उनको समझ में आए कि भाई सेक्स है तो क्या है, और सेक्स ऐसी गंदी चीज़ नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया है उसको. क्योंकि आप लोगों के सारों के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, ओके, सेक्स इज समथिंग दैट यू कम इन दिस वर्ल्ड. अगर वो नहीं करेंगे तो आप इस दुनिया में नहीं आएंगे. दूसरी बात ये है कि कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट, गोली मार, देख 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 जाहिद जमील, जा दफा हो, तुझ पाकिस्तान में आने ही क्यों देगा, उसी वक्त गोली मार देनी चाहिए. आई रेस्ट माई केस, बस और मैं क्या बोलूं. देख लो, ये तो हालत है पाकिस्तानियों की, ये हालत है. और खलील जी, आपने जो हरकत की ना उससे प्रूफ हो गया कि औरतों को वाकई में हकूक की जरूरत है, क्योंकि आप जैसे जलील लोग औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है ना. तो बहुत अच्छा हुआ. मुझे, अगर मैं होती, इतनी गालियां अगर मैं होती ना मारवी की जगह, तो मैंने उस बंदे को ऐसी गांड की अंदर से निकल निकल के गालियां देनी थी ना, कि उसके चारों क्या होते हैं, फिर भूल गई कि उसके होश उड़ जाने थे. मारवी ने तो फिर भी उसको कुछ नहीं बोला उसने. समझ में आई ना, बहुत अच्छा हुआ जियो ने बैन कर दिया उसको. बहुत, मेरे दिल को इतनी खुशी हुई है कि इस बंदे को बैन किया है. बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी डिसीजन लिया जियो ने, एंड आई सल्यूट देम फॉर दिस. थैंक यू फहीम, थैंक यू एवरी वन एल्स. और जो यहाँ पे मर्द थे, आई एम सॉरी, मैं सबको टारगेट नहीं कर रही थी. बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो औरतों के साथ खड़े होते हैं, ठीक है ना. बहुत सारे मर्द हैं जो वाकई में इस चीज़ पे खड़े हैं कि हाँ, औरतों के लिए हुकूक होने चाहिए. चाहे वो औरत मार्च को सपोर्ट करें या ना करें, वो अपनी औरतों को हकूक देते हैं, अपनी बच्चियों को, बीवियों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कंजर होता है खलीलुल रहमान की तरह, ठीक है ना. बहुत सारे अच्छे मर्द ही हैं, मगर वो जितने भी होते हैं ना अच्छे मर्द, वो बाहर लेके निकल जाते हैं अपनी बीवियों को, बच्चियों को, पाकिस्तान में नहीं रखते. इतने सारे लोगों से मैं मिली हूँ, वो अपनी बेटियों को, बच्चियों को वहां से लेकर यहाँ इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटियां और उनकी बीवियां पाकिस्तान में सेफ नहीं है. बाय एवरीवन.